तो फ्रेंड्स, मैं छत पर आकर बैठी हूँ। सुबह का टाइम है और यही मैं लेके आई हूँ नींबू पानी, और मैं यहाँ पी लेती हूँ। और काफी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा है। वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, उसका है आज हमारा नवा दिन फ्रेंड्स। और आप लोग अपना वेट लॉस कैसा कर रहे हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आई हूँ मंदिर से, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं मंगलवार को और शनिवार को जाती हूँ मंदिर। तो बस मैं मंदिर आई हूँ, उसके बाद मैं अब अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ। तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ सुबह अपना जो नींबू पानी लेती हूँ बस उसी को पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे साथ वेट लॉस करके कैसा लग रहा है, और आप लोगों ने बताया नहीं अभी के, मतलब आप लोगों को मतलब कोई अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। और सच सच बताना कि आप लोगों को मेरे फेस वगैरह पे या कहीं पे भी दिख रहा है फ़र्क कि नहीं, ये भी बताना फ्रेंड्स। और है ना, जैसा कि अगर हम हाउस वाइफ हैं ना, आज मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताती हूँ। जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं, हम हाउस वाइफ के पास अपने लिए अलग से टाइम नहीं रहता। हम सोचते हैं हम क्या करें, हमें ना कहीं जाने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो ये 32 बार वाला जो फ्रेंड्स फॉर्मूला है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। और 32 बार फॉर्मूला के साथ में हम हाउस वाइफ अपना वेट लॉस आराम से कर सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी ना घबराएं। उनको अगर अपना वेट लॉस करना है तो आप 32 बार को फॉलो कीजिए, और है ना 32 बार फॉर्मूला से आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि इसमें हमें कुछ भी तो नहीं छोड़ना है, जो भी हमारे घर में बनता है हम उसी को खाते हैं। तो बस क्या है ना, हमें हर चीज़ को 32 बार चुप करके खाना है, बिल्कुल आराम से उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है कि बस वो मुंह में हो जाए एकदम से पानी, फिर उसको है ना अंदर ले जाना है। तो इस तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी 15 kg के समथिंग वेट लॉस होने वाला है। बस 1.5 kg वेट लॉस अगर मेरा हो जाएगा भी इस चैलेंज में, तो मेरा 15 kg वेट लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है एक एप्पल है, थोड़ा सा पपीता है, और हमें नाश्ते में हल्का ही लेना है। तो आइए, और देखो मैंने इसके टुकड़े ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, छोटे छोटे ही किए हैं। तो आइए आप भी खाइए। इसको भी आराम आराम से खाना है, 32 बार चिप करके। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए ग्रीन टी। फ्रेंड्स, मैंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया है। इससे क्या होता है, जैसे हमने ना जो हैवी लोग हैं उनको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इससे कुछ उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये है टमी ट्रिमर। इससे क्या होता है, हमारा ये जो बेली का फैट होता है ये बहुत जल्दी कम होता है। तो मैंने भी मंगा लिया है, और आज मैं भी इससे पहली बार एक्सरसाइज करूँगी। तो मैंने कहा आपके साथ में शेयर करूँ और आपको दिखाऊँ कि इससे कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप लोगों को जल्दी फैट अपना बर्न करना है तो आप इसको मंगा सकते हो। तो मैंने आज इससे एक्सरसाइज की, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत ही मज़ा आया एक्सरसाइज करने में, और पसीना भी काफ़ी आया। और है ना इससे है ना हर जगह मतलब खिंचाव पड़ रहा है, पेट पे भी पड़ा, बाजुओं पर भी पड़ा, और जो अपना जो ब्रेस्ट का जगह होती है उस पर भी काफ़ी खिंचाव पड़ा है। तो इससे मेरा अपना सारी बॉडी का फेट मतलब बर्न होगा, और बेली फैट तो होना ही होना है, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके हमें ना 3-3 सेट करने हैं 15 की काउंटिंग के फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये है आज की हमारी थाली। आज खाने में है ये रोटी के मैंने टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, और खीरा है सैलेड में, और मैंने लिए हरी मिर्ची 2 तली हुई, ठीक है।
मैंने कल इनको फ्राई किया था, तो बस मैंने वो ही ली हैं फ्रेंड्स। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में लंच कर लीजिए, और हमें ना 32 बार को चिप करके ही, मतलब 32 बार हमें हर चीज़ खानी है बिल्कुल चिप करके। देखो, देख सकते हो मैंने एक रोटी के देखो कितने सारे टुकड़े किए हैं, है ना। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी करना है, और आइए आप भी हमारे साथ में लंच कर लीजिए। और ये सब्जी है आलू की सूखी, मैंने आज नहीं बनाई, कल की रखी थी, तो मैंने वही बात क्यों करो तो इसी को खा लूँगी, तो रखी थी तो ले ली, मैंने बनाई नहीं फिर कोई सब्जी, सैलेड ले लिया, मिर्ची ले ली और रोटी ले ली। बिल्कुल खाने को पानी बनाकर तब मुंह में अंदर ले जाना है। तो फ्रेंड्स शाम का हो गया है टाइम, बज गए हैं 5:45 और हमारे डिनर का हो गया है टाइम। तो मैंने आज डिनर में लिया है सैलेड, टमाटर लिया है, 2 मैंने टमाटर लिए हैं, और एक खीरा लिया है, और एक प्याज को कट कर लिया है, और मैं शाम को डिनर में इसी को खाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और बस मेरा ग्रीन टी इसके बाद मैं जब पीऊंगी तो मेरा ग्रीन टी वाला भी टास्क पूरा हो जाएगा। फिर मेरा रह जाएगा 1/2 लीटर पानी, फिर मैं उसको पीऊंगी, वो वाला भी टास्क पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए, आइए, और हमें ये भी है ना 32 बार चिप करके ही खाना है। मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ ग्रीन टी, ये देखो, क्योंकि ग्रीन टी का भी टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट किए मुझे फिक्स कितना 1.5 घंटा हो गया है, हाँ 1.5 घंटा होने पे है, एक या मतलब 1 घंटे से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि मैं ऊपर छत पे चली गई थी, पौधों में पानी वगैरह डाला, तब तक मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो बिल्कुल जरा सी भी पसंद आती है ना, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आपको उसमें कुछ भी समझ में आता है तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स है ना आज मेरा 21 हार्ट जो चैलेंज चल रहा है ना उसका 9वां दिन कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा जो 9वां दिन है आज 21 हार्ट जो चैलेंज चल रहा है उसका कंप्लीट हो गया है, और ग्रीन टी का जो मेरा टास्क है वो भी आज कंप्लीट, मतलब आज का हो गया है पूरा, और मैंने पानी भी पूरा पी लिया है, मेरा पानी हो गया है 3.5 लीटर, लेकिन जब तक सोऊंगी तब तक एक्स्ट्रा ग्लास एक आध और पी लूँगी, और फिर मेरा ऐसे है ना 3.5 लीटर से ऊपर पानी हो जाता है, क्योंकि अपन सुबह भी पीते हैं, शाम में भी पीते हैं, खाना में भी पीते हैं, तो ऐसे एक्स्ट्रा पानी भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ग्रीन टी में ले रहे तो वह भी पानी में ही गिना जाएगा ना, तो ऐसे मेरा हो जाता है 4 लीटर के समथिंग ही हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, फ्रेंड्स अगर आप लोग अपना वेट लॉस कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से, अगर आप 21 दिन का चैलेंज कर रहे हो, अगर आपसे ज़्यादा कठिन नहीं हो रहा है तो आप बताना, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगी कि हमें रात में डिनर में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है एंड, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।